51 नोडल क्षेत्र में लंबे संक्रमण की तीव्रता अब धीरे धीरे कम हो रही है। गोपालगंज तथा प्रशासन के लिए यह एक राहत भरी खबर है। संक्रमण में आई कमी के चलते शहर में शुरू किए गए आइसोलेशन सेंटर्स में से 2 सेंटर को बंद भी कर दिया गया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि नोडल क्षेत्र में अब तक 2594 गोवंश लंपी रोग से संक्रमित हुआ था, जिसमें से 1477 गोवंश में रोग की रिकवरी हो चुकी है। डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि नोडल क्षेत्र में लंपी रोग से संक्रमित 411 की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से 7100 गोवंश का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। विभाग को नई वैक्सीन गॉडपॉक्स मिल गई है। नोडल क्षेत्र में शेष रहे गोवंश का वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। मालूम हो कि उपखंड में गोवंश पर कहर बनकर आए लंपी संक्रमण से गोवंश को बचाने के लिए प्रशासन के साथ साथ शहर के कई भामाशाहों तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी जी जान लगा दी। गोवंश पर आए इस संकट से निपटने के लिए हर किसी ने अपने अपने स्तर पर दवाइयों, आइसोलेशन सहित वैक्सीनेशन आदि की व्यवस्थाओं में सहयोग किया। शहरवासियों के इसी जज्बे की वजह से आज गोवंश धीरे धीरे इस संक्रमण से मुक्त हो रहा है। नोडल क्षेत्र ब्यावर में जो लंपी स्किन डिजीज का जो प्रकोप चल रहा था, उसकी तीव्रता में अभी कुछ दिनों से कमी आ गई है और रोजाना जो है अब जो नए केस जो है रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। डेली के 5 से 6 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब जो केसेस हैं वो उनमें जो ये नोडल्स बनते थे वो रप्चर होने के बाद जो घाव बन रहे हैं, अभी ज़्यादातर केस जो है पुराने केस ही हैं, उनमें जो है ड्रेसिंग के काम है और वो घाव बन रहे हैं, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसकी ड्रेसिंग हो रही है। वो भी अब काफ़ी हद तक जो है रिकवर हो रहे हैं। हमारे कई एसोसिएशन सेंटर्स में जो लंपी रोग के जो गोवंश थे उनका ट्रीटमेंट होने के बाद रिकवरी रेट हमारी काफ़ी आ चुकी है। आज के टाइम तक जो है अभी तक 30 तारीख तक जो हमारी रिपोर्ट है उसमें 2594 गोवंश जो है से संक्रमित हुए, उसमें से 1477 जो एनिमल हैं वो रिकवर हो चुके हैं और टोटल जो डेथ हुई है वो 411 डेथ हुई है अपने पूरे नोडल क्षेत्र में। और वैक्सीनेशन जो है 7000 वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कम्प्लीट हो चुका है। वापस नए वैक्सीन वापस इश्यू हो चुकी है हमें और अब बाकी जो बचे हुए जो गोवंश हैं उनमें गोल्डपॉक्स वैक्सीन हमारे क्षेत्र में लगाया जाएगा। सभी पशु चिकित्सा उपकेंद्र के प्रभारियों को हम ये वैक्सीन उनको उपलब्ध करा देंगे। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।